और देते हैं ये अपने काले चने की सब्जी को दुकानों वाले लोग। तो देखिए दुकानों और रेस्टोरेंट होटल वाले इसी प्रकार बड़े से बर्तन में रात में छोले, अपने काले चने और ऊपर से आलू इस प्रकार सजा के रखते हैं, जिसे देखते ही आपका आपका दिल, जिगर, गुर्दा और जवान बस एक ही बात कहते हैं, फटाफट एक प्लेट लगाओ भैया और खाओ भैया। और जब आप खाते हैं तो स्वाद जब आप टेस्ट करते हैं तो वाह वाह कर उठते हैं। वही वाले काले चने की सब्जी आज बनके तैयार हुई है और साथ में फ्राई आलू है। आज हम आपको एक सरल और स्वादिष्ट भारतीय काले छोले की सब्जी बनाना सिखाएंगे, जिसे काले चने की सब्जी के नाम से भी जाना जाता है। क्या आप जानते हैं काले छोले ना केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि पोषक तत्वों से भी भरपूर होते हैं। तो आइए आज बनाते हैं काले छोले की सब्जी, वो भी बहुत ही अलग अंदाज में। ठीक है जी, आपने भी घर पर बहुत बनाया होगा, बहुत बार सब्जी बनाई होगी, लेकिन आज हम इसको इस प्रकार एक नए तरीके से बनाएंगे ना कि आप भी देख के हैरान रह जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इसके लिए फ्राई आलू भी तैयार किए हैं, जो इसके स्वाद को चार चांद लगा देते हैं, दोगुना कर देते हैं। देखिए जी कितने गाढ़े छोले बने हैं, साथ में फ्राई आलू भी हैं, और किस प्रकार हमने इस सब्जी को बनाया है और किस प्रकार ये फ्राई आलू तैयार किए हैं आपको स्टेप बाई स्टेप हम वीडियो में बताने वाले हैं, वीडियो में बने रहें। और आप चाहो तो इसको पूरी के साथ, पराठे के साथ, भटूरे के साथ भी खा सकते हो, और चाहो तो छोले या टिक्की पर डाल कर भी खा सकते हो इसको, इस प्रकार इतने बढ़िया ये बन के तैयार हुए हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो इसके लिए लीजिए हमने 250 ग्राम काले चने, इनको रात भर के लिए हमने भिगा दिया था, कम से कम 12 घंटे भिग चुके हैं ये, आप भी कम से कम 10 या 12 घंटे इनको भिगाएं, क्योंकि ये थोड़े हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, और ज़्यादा देर अगर ना भिगाओगे तो ये गलने में थोड़ी दिक्कत पेश आती है। 12 घंटे भिगाने से कम से कम ये आसानी से गल जाते हैं। ठीक है जी, इनको हमने 2-3 बार धो लिया था अच्छी तरीके से, भिगाने से पहले भी और अब उबालने से पहले भी। ठीक है जी, धोने से कोई दिक्कत नहीं है। और अब इन सबको कर देते हैं कुकर के अंदर ऐड। अब जाएगा जी इसके अंदर आधा चम्मच के जितना मीठा सोडा, ये आधा चम्मच के जितना हमने मीठा सोडा इसके अंदर ऐड किया है। और देखिए एक तेज पत्ता डाला है हमने इसके अंदर, 4 लौंग और एक बड़ी इलायची तोड़कर, और एक करछी भर के इसके अंदर रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे हम, जिससे कि चने जब उबलेंगे तो इस रिफाइंड ऑयल की सहायता से इनका स्वाद दोगुना हो जाएगा काले छोलों का, और जब उबलेंगे तो जो कुकर की सीटी में से पानी या झाग निकलते हैं वो नहीं निकलेंगे। पानी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है, 1 इंच ऊपर रखा हमने पानी, इसी प्रकार आप रखें, और इसको बड़े आराम से 3-4 सीटी लगाकर मुलायम होने तक उबालना है। और देखिए चने हमारे उबलकर तैयार हैं बिल्कुल एकदम, कलर भी इनका काला हो गया है बड़ी इलायची और जो लौंग डाली थी हमने उसकी सहायता से, और देखिए कितने मुलायम हैं ये, एकदम बढ़िया तरीके से मैश हो रहे हैं। और जो इसका पानी था चनों का वो हमने फेंका नहीं है, साइड में निचोड़ कर निकाल लिया। तो देखिए जी इसके लिए हमने ले लिए कुछ मसाले, ये चाट मसाला है हमारे पास, और ये लाल मिर्च है, और जीरा है ये हमारे पास, गरम मसाला है, धनिया पाउडर है, ये 3 चम्मच इमली का पल्प है, ड्राई पुदीना है, सफ़ेद नमक है, काला नमक है। ठीक है जी, और ये सौंफ है, सौंफ से बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट स्वाद आता है काले छोलों के अंदर, अगर सौंफ नहीं डाली तो आपने सब्जी का स्वाद बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, बिना सौंफ के सब्जी नहीं बनती। ये 4 आलू लिए हैं, इसी मसालों को मिला के इनको फ्राई करेंगे बिल्कुल नए तरीके से। और ये 3 मीडियम साइज़ की प्याज लिए हमने 250 ग्राम छोलों के लिए, 4 हरी मिर्च लिए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 टमाटर, इनको अच्छी तरह बारीक चॉप करेंगे सारी चीज़ों को, और फिर लगाते हैं तड़का। तो लो देखिए जी प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक हमारे बारीक चॉप हो चुके हैं। तो लो जी पतीली हमने रख दी गैस के ऊपर और लगाते हैं तड़का। तड़का लगाएंगे हम सरसों के तेल के अंदर, इसके अंदर 2 करछी हम भर के सरसों का तेल डालेंगे, लगभग 100 ग्राम। ठीक है जी, सरसों के तेल के अंदर बनाई हुई सब्जी की बात ही अलग होती है, या तो देसी घी में बनाओ या सरसों में। तो लो जी तेल गर्म हो चुका है हमारा, और इसके अंदर डालेंगे सबसे पहले हम जीरा, और जैसे जीरा भुनता है इसके बाद जाएगी सौंफ। ठीक है जी, आधा चम्मच के करीब हमने सौंफ का प्रयोग किया है इसमें, और इसके साथ ही जाएंगे ये कटे हुए बारीक चॉप किए हुए अदरक और हरी मिर्च। और जैसे ही ये मीडियम आंच पर अच्छी तरह भुनते हैं अदरक और हरी मिर्च, उसके बाद कर देंगे प्याज ऐड, और प्याज को भी अच्छी तरीके से फ्राई करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, ज़्यादा लाल नहीं करना है, और कितना करना है हम दिखाते हैं। उसके बाद करेंगे टमाटर ऐड, प्याज को बहुत ही मीडियम आंच पर अच्छी तरीके से चलाते हुए भूनना है, और जैसे ही प्याज भून के गोल्डन ब्राउन होती है हल्की, इसमें करेंगे लाल मिर्च ऐड। ठीक है जी, हमने अपने स्वाद के अनुसार 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च ऐड किए हैं इसके अंदर लगभग, और अब ये टमाटर हमने चॉप करके रखे हुए हैं बारीक, इनको डाल देंगे इसके अंदर और फ्राई करना है बहुत ही बढ़िया तरीके से। टमाटर को भी भूनना है हमें, और इसके साथ डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। 250 ग्राम छोलों के अंदर हमने देखिए लगभग 2.25 चम्मच के करीब नमक ऐड किया है हमने, आप अपने स्वाद के अनुसार करें, छोटी बड़ी चम्मच भी होती है, कोई कम ज़्यादा भी नमक खाता है। ठीक है जी, हम आपको अंदाज़ा बता रहे हैं, स्वाद के अनुसार आपने करना है। और इधर जो उबले आलू रखे हमारे, इनको हम बारीक बारीक चौकोर टुकड़ों में काट लेते हैं, ये देखिए इस प्रकार, ज़्यादा बड़े साइज़ के ना लें, ज़्यादा बड़े साइज़ ना काटें आलू को। तो आलू को हमने टुकड़ों में काट लिया ही, और इधर ये हमारी प्याज टमाटर की ग्रेवी भी बनकर भुनकर तैयार है एकदम, और अब इन आलूओं को इस ग्रेवी के अंदर मिक्स कर देंगे। प्याज और टमाटर की जो ग्रेवी बना रहे हैं हम, भून के तैयार है ये, इसके अंदर हमने अच्छी तरह आलू को मिक्स कर दिया है इस प्रकार। अब इनको इसी प्रकार 1 मिनट तक भूनना है चलाते हुए, जिससे तले में ये जले ना, चुपके ना। इसी प्याज और टमाटर के मसाले के अंदर इसको आलूओं को अच्छी तरीके से 1 मिनट तक स्लो आँच पर फ्राई करना है। फ्राई होने के बाद इन आलूओं को हम 1 प्लेट में निकाल लेंगे, जो प्याज और टमाटर की ग्रेवी है उसको छोड़ देंगे, आलू आलू को हमने जो फ्राई हो चुके हैं आलू हमारे, उनको इस प्रकार छांट छांट कर आप निकाल लें, ग्रेवी को पतीली में बनी रहने दें।
तो इस प्रकार प्याज टमाटर और नमक का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर इन आलू के अंदर आ चुका है, ठीक है जी। और फ्राई हो चुके हैं तेल के अंदर एक मिनट, ये हमने रख दी साइड में बची हुई ग्रेवी में। अब मिक्स करेंगे हम मसाले, ठीक है जी, जितनी भी ये हमारी ग्रेवी बची है। अब इसके अंदर हमने एक समझ लो बड़ी चम्मच भर के धनिया पाउडर डाला है, इसको थोड़ी देर अच्छी तरह फ्राई किया है इस प्रकार। और अब जाएगा आधी छोटी चम्मच चाट मसाला, ठीक है जी, इसी प्रकार चलाना है स्लो आँच पे ही। हल्का सा पानी इसके अंदर ऐड किया हमने जिससे मसाले जले ना हमारे, बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका समझा रहे हैं। और जैसे आलू भी देखिए हमने कितने बढ़िया तरीके से आपको फ्राई करना सिखाया। आप पहले फ्राई करते होंगे तो पहले तो फिर साथ में सारे मसाले ऐड कर देते होंगे, लेकिन हमने केवल टमाटर की और प्याज की ग्रेवी और नमक में आलू फ्राई करके बताए हैं। और ये जो हमारे पर छोले का पानी बचा हुआ था इसको ऐड कर दिया हमने, इस पानी के अंदर छोले का सारा मसाला है, ठीक है जी, सारा स्वाद इस पानी के अंदर ही होता है और इसी से छोले गाढ़े होंगे और काला रंग तो है ही है छोले के अंदर। अब ये दो चम्मच हमने इमली का पल्प लिया था, इमली को भिगाकर उसका गूदा निकाल दिया था, दो चम्मच डाला हमने खट्टे के लिए अमचूर की जगह, और ये गया आधी छोटी चम्मच काला नमक, ठीक है जी। हम सारा जो मसाला बता रहे हैं इसी प्रकार चेक करते जाएँ, जो चीज़ कम ज़्यादा लगे आप उसको पूरी करते हैं। हमें मिर्च कम लगी है थोड़ी सी, तो हम थोड़ी मिर्च और ऐड कर रहे हैं दाल वाली अपने स्वाद के अनुसार, ठीक है जी। आपको सारा सामान जो भी डालना है अपने स्वाद के अनुसार डालना है, हम जैसा बता रहे हैं वैसा नहीं। और अब हमने एक चम्मच लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड किया है और इसमें अच्छी तरह उबाल आएगा, और जितने भी झाग हैं ये सब खत्म हो जाएंगे, तो समझ लो आपकी तरी उबल कर तैयार है, ठीक है जी। जब तक उबालना जब तक ये झाग ना खत्म हो जाए, देखिए झाग हमारे खत्म हो चुके हैं बिल्कुल, तरी हमारी रेडी तैयार है। अब हमने इसके अंदर छोले मिक्स कर दिए और देखिए कितनी बढ़िया सब्जी बनके तैयार हुई है। लेकिन अभी इसमें कमी है, कुछ मसाले अभी डलेंगे और क्या क्या चीज़ डलेगा ये और कैसा स्वाद आएगा ये सब्जी बनने के बाद आपको पता लगेगा। तो एक उबाल आने देते हैं, सब्जी को रेडी होने देते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं सब्जी का टेक्सचर, स्वाद, फ्लेवर, जो आप देख के एकदम खुश हो जाओगे। और यही सब्जी हर महीने में एक या दो बार तो ज़रूर बनाओगे आप इसी तरीके से। तो सब्जी में हल्का हल्का उबाल आना शुरू हो गया जी, देखो। और इसके अंदर डालते हैं, देखो बहुत ही बढ़िया चीज़, ये ड्राई हमारे पर पुदीना है, कसूरी मेथी की जगह हमने ड्राई पुदीना डाला है। आप एक बार डालकर सब्जी बनाकर देखना, अगर मज़ा ना आ जाए तो जो मर्जी कह देना, इसी से स्वाद आता है सब्जी के अंदर, स्पेशल काले छोले की में। और ये जो गर्म मसाला हमारे पर बचा है ये डालेंगे हम सबसे लास्ट में, ढक्कन लगा दिया हमने और एक उबाल आने देते हैं। लो जी, जिस घड़ी का मैं इंतजार था वो आ गई है, देखिए ढक्कन हमने हटा दिया, उबाला इसमें आ चुका है और सारा तेल रिलीज होकर ऊपर आ चुका है। अब इसके अंदर डालेंगे सबसे ज़रूरी चीज़ हींग, ये पानी में हमने घोल के तैयार कर ली थी हींग, ये डाल दिया और गर्म मसाला आधी छोटी चम्मच ऐड कर दिया इसके अंदर। और काले चने के सबसे बढ़िया चीज़ अजवाइन, ये सबसे लास्ट में हमने डाली है और आप भी इसी प्रकार लास्ट में डालें। तड़के के अंदर डालने से कभी कभी इसके अंदर कड़वा स्वाद आ जाता है, कड़वापन आ जाता है, तो हमने इसको सबसे लास्ट में डाला है। और इससे बहुत ही बढ़िया चाय का स्वाद आएगा अजवाइन से। बस हल्का सा एक उबाल और लगाना है हमने, ये देखो जी सब्जी गाढ़ी जितनी हमें चाहिए थी उतनी हो चुकी है। गैस हमने कर दी है बंद, सब्जी बनके रेडी तैयार है हमारी। और देखिए जितना भी घी तेल था सारा निथर कर ऊपर आ चुका है, बिल्कुल काले चने की स्वादिष्ट सब्जी बनके तैयार है। चलो जी सारी सब्जी को निकालते हैं सर्विंग बोल में और फिर दिखाते हैं हम आपको प्लेटिंग कैसे करनी है इसकी। ये देखिए जी कितने बढ़िया गाढ़े गर्मा गर्म काले चने हमारे बनके तैयार हैं। इसी प्रकार आप बनाएं, चाहे तो आप पूड़ी के साथ खा सकते हैं इन छोलों को, इन चनों को पराठे के साथ खा सकते हो और भटूरे के साथ भी खा सकते हो, चाहो तो आप समोसे के साथ समोसा छोला बना के खाओ, टिक्की के साथ टिक्की छोले बना के खाओ। और देते हैं ये अपने काले चने की सब्जी को दुकानों वाला लुक, तो देखिए दुकानों और रेस्टोरेंट होटल वाले इसी प्रकार बड़े से बर्तन में रात में छोले अपने काले चने और ऊपर से आलू इस प्रकार सजा के रखते हैं, जिसे देखते ही आपका दिल जिगर गुर्दा और जवान बस एक ही बात कहते हैं, फटाफट एक प्लेट लगाओ भैया और खाओ भैया। और जब आप खाते हैं तो स्वाद जब आप टेस्ट करते हैं तो वाह वाह कर उठते हैं। वही वाले काले चने की सब्जी आज बनके तैयार हुई है और साथ में फ्राई आलू हैं। तो इसी प्रकार आप बनाइए घर में और खाइए और फिर हमें बताइए किस प्रकार स्वाद आया, आया भी नहीं आया फिर हम आपको दोबारा से फिर समझाएंगे, ठीक है जी। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी, पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।